तो तुम्हारी बात है सुन क्लास टेन बहुत दिन छुट्टी से तुम भूल गए हो क्लास कौन सी है याद है क्लास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जगह अब ठीक कर चलेंगे जो हम ड्रॉइंग नहीं बना है उसको हम बनाते चलते ठीक है ना मुझे जरूरत नहीं आप लोग जरूरत पड़ेगी बनाने वाली ठीक है ना वो अभी चलें कार्बन पहला टॉपिक कार्बन कार्बन तो क्या समझते हो बचपन से सुनते हो कार्बन के बारे में ना बचपन से हमको सुना रहा कार्बन कार्बन कॉपी लाके रखते छापे थोड़ा सा लगा जो भी छापन था छापे देते कार्बन से तो क्या वही कार्बन है उस कार्बन और क्या कार्बन है तो बोर्ड में कार्बन है नहीं इसमें कार्बन है स्टील में पंखे में कार्बन है मोस्ट ऑफ द चीजें कार्बन की यहाँ तक आप भी कार्बन के कैल्शियम कार्बोनेट आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज है ग्लूकोज के अंदर कार्बन होता है तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो है कार्बन से बनी और मेटल वगैरह देखते हो उसमें स्टेनलेस स्टील में कार्बन कुछ परसेंटेज होती कंपोजिशन होती है स्टेनलेस स्टील का आप लोग अगर देखोगे पढ़ा था वहाँ दोगे कार्बन का भी कुछ कुछ मात्रा होता है ठीक है ना अमॉन्ग द नॉन मेटल्स ये नॉन मेटल नहीं होते हैं ठीक है ना कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर्म इट एग्जिस्ट एज ग्रेफाइट डायमंड देखो कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मोस्ट ऑफ द चीजें में पाई जाती है ग्रेफाइट हो गया ग्रेफाइट जानते क्या होता है पेंसिल की भी पूरा पेंसिल ग्रेफाइट होता है वो बाहर लकड़ी होती है उसके डायमंड भी फ्यूल्स हो गए फ्यूल्स में जो कोल पेट्रोलियम डीजल या डायमंड को कितने डिग्री पर बुला सकते हैं डायमंड को बुला सकते हैं डायमंड आपका मेटल नहीं नॉन मेटल है मेल्टिंग पॉइंट का हाई होता है टूटता नहीं है जल्दी टूटता नहीं है हार्ड होता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तैयार नहीं है फ्यूल में क्या होता है हमारा पेट्रोलियम हो गया कोल हो गया फ्यूल इन कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए और दूसरी बात दो महत्वपूर्ण चीजों पाया जाता है ग्रेफाइट और दूसरा डायमंड और फ्यूल ईंधनों में पाया जाता है ईंधन में जैसे कि पेट्रोलियम हो गया कोयला हो गया चारकोल हो गया कोक भी कोयले के अंदर ही आता है ठीक है चारकोल आजकल फेस वॉश वगैरह में आता है चारकोल कार्बन का कंपाउंड होता है फेस वॉश वगैरह में चारकोल आता है सोप्स में आता है हां चलिए अंदर हां और देखो नीचे आओ थोड़ा सा तो लिखा है इसमें मार्बल CaCO3 कार्बन पैकेज होता है डायमंड हो गया ग्रेफाइट हो गया कोल मिस कोयला चारकोल को हिंदी में चारकोल ही कहते हैं और पेट्रोल हो गया फ्यूल लीटर होती है ठीक है ना इंटरनेट
ठीक है ना, ईंधन हो गया, मार्बल हो गया, जैसे कि मार्बल का देखो CaCO3 संगमरमर कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं हिंदी में, इसका नाम क्या होता है कोई आगे कैसे बोलते पहले जो जिनको पता है बोल देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, अभी को नहीं पता है फिर पहले बोलेंगे कैल्शियम बात सुन के बोलेंगे कार्बोनेट, जैसे किसको मेरे को पता था CaCO3 तो कैल्शियम सुन के बोला कार्बोनेट सुन के बोला वॉशिंग सोडा किसकी अनु जाओ अपने घर जाओ आप घर चले जाओ अनु जाओ चले जा जहाँ थोड़ा खराब है तो फिर दिक्कत है अनु जा चले जाओ वॉशिंग सोडा में क्या होता है बताओ और एक आधे बोलो इसमें जो लिखा है बाकी देख लो कार्बन आपके वॉशिंग सोडा अरे जो धोने के सरफ वगैरह में होता है सब अरे खाना पकाने चीज में होता है सब हाँ हेलो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं लकड़ी हो गया जैसे आपके घर में जो बर्तन वगैरह है वो सब भी कार्बन के ही बने होते हैं अरे चला देंगे ठंडी लगेगी बुध होते हुए सर्दी मेरे को हो रही धूप नहीं बोल रहा ठंडी लगेगी क्यों लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वातावरण फैला हुआ है कितना परसेंट है कार्बन याद है ना कभी कभी यही सब क्वेश्चन हम गौर नहीं करते हैं पेपर में आते हैं तो गड़ हो जाता है CO3 की परसेंटेज कितनी है हम उसका CO3 की परसेंटेज कितनी है सॉरी CO2 की बोलो खड़े जाओ खड़े जाओ तुम बता देना खड़े जाओ 0.03% में हमने पहले भी चैप्टर पढ़ा है कितना परसेंट अर्थ क्रस्ट में अर्थ क्रस्ट मिलता है हमको 0.02% हमें अर्थ क्रस्ट के कार्बन मिलता है ठीक है ना मिनरल्स के फॉर्म में 0.02% जो कार्बन होता है ना हमारा कहाँ से मिलता है अर्थ क्रस्ट पता है ना तो अर्थ की हम खुदाई करते हैं वहां से जो मिलते हैं खनिज खनिज जो मिलते हैं मिनरल खनिज उनको जो कार्बन होता है कितना था 0.02% कार्बन की बात की ठीक है ना इसमें भी कार्बन है इसमें भी ये वातावरण में कार्बन है ये वातावरण में है ये अर्थ क्रस्ट में है यही है जो मुख्य रोल निभाता है मुख्य रोल जो है यही निभाता है हम वातावरण में कार्बन तो यूज नहीं करते हम कार्बन तो यूज करते हैं ना ये कहाँ रोल निभाता है बताओ इसका काम क्या है जो 0.03% है इसका करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश इसका जो प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं ठीक है ना और इसका यूज जैसे किसी चीज को बनाना होगा कार्बन से बनाना होगा तो इसका यूज करते हैं जो कार्बन बनते हैं आपके उस इस 0.02% से ही बनते हैं ये तो हो गया कार्बन के बारे में ठीक है ना Why do atom form chemical bond with other atom? क्वेश्चन है सवाल पढ़ो
कार्बन के बारे में समझ में, कार्बन की प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कार्बन का यही समझ में आया कार्बन कहाँ कहाँ होता है। मुख्य रूप से दो जगह होता है, एक वातावरण में, एक एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। पृथ्वी की खुदाई करते हुए पृथ्वी की खोपड़ी में, पृथ्वी की खोपड़ी में दो जगह होता है, एक वातावरण में और एक पृथ्वी की खोपड़ी में। और बाकी इस पपड़ी से हम हर जगह बताइए कोयला हो गया, कोयला 0.02% की है। तो कोयला देख लो ना, कोयला में क्या कार्बन तो है, तो कोयला में 0.02% ही है। बाकी डायमंड सब भी 0.02% है, मतलब पूरा मिला के 0.02% है। तो कितना ज्यादा है 0.02%? आपके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी पृथ्वी बहुत ज्यादा बड़ी है। हो गया, अगला क्वेश्चन पढ़ा लोगों ने। पहले मैंने सोचा था अगर नहीं, केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन क्यों करते हैं, यहाँ बंधन लिखा है, वहां बंध नहीं सोचा आप लोग हिंदी वाले। मोस्ट कॉमन वर्ड होगा आबंध, बंधन की जगह रासायनिक जो बंधन लिखा है ना, वहां आप आबंध लिख लो, आप लिखो मत, ठीक है छोड़ दो वहां पे, आप याद है ना बंधन का जगह हम आबंध लिखते हैं, परफेक्ट लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जहां जहां बंधन लिखा वहां वहां बोला गया। सुनो क्वेश्चन क्या हमारा अगला वाला, केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड को हिंदी में आबंध भी कहते हैं। सुनो अब सुनो, मैंने पहले पढ़ा रखा है कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, जिस कारण से केमिकल रिएक्शन होता है उस कारण से केमिकल बॉन्ड नहीं होती। केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, स्टेबिलिटी स्थिरता का स्थिरता पाने के लिए, इसीलिए केमिकल बॉन्ड नहीं होती, अधिक स्थिरता पाने के लिए। पहले वो कम स्थिर होते हैं, क्या हो गया बोलो, उसके पास होगा क्यों अपने विषय केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, बनाएंगे ना H2O। ना बनाएंगे ना, ये आबंधी तो है, और जो को समझ नहीं आया कि क्या कर दिया मैंने, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि मेटल वाला पढ़ क्या अच्छे से, ये बॉन्डी तो है, इसकी वैलेंसी एक, इसकी दो, इसकी एक, इसकी दो पर बना लिया, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया अपने, है ना। याद करो हम जो NGCl करते थे, एक एमजी दो सीएल, अब याद आ गया। तो यहाँ पे क्या आबंधी तो बना ना वहां पे, बट यह आबंध क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा ज्यादा, यहाँ पे कम थी, तो यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, यहाँ स्थिरता बढ़ गई। तो अधिक स्थिरता पाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, रासायनिक आबंध बनाते हैं। पेपर है 2 से 1 नंबर के लिए, तो आप लोग ठीक है ना। अब कार्बन की नेचर की बात कर ले, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, मान लो कार्बन ने कुछ अभिक्रिया किया। हम यहाँ पूरे चैप्टर में कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन जब अभिक्रिया करता है कैसे अभिक्रिया करेगा, क्यों अभिक्रिया करेगा, इससे क्यों करेगा, इससे क्यों नहीं करेगा। मान लो इससे अभिक्रिया तो क्या, हम इसमें नामकरण भी करना सीखेंगे कि क्या नाम होगा कार्बन। मान लो कार्बन ने इससे अभिक्रिया कर लिया तो नाम क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ हम केमिकल को नाम देना सीखेंगे, क्या करेंगे, नाम देना, ठीक है ना।
उसके लिए आपको टेबल में कम से कम मान लो 20 का ना डालना चाहिए, कैल्शियम का ना, कैल्शियम तक का सप्ता ना डालना चाहिए, ठीक है ना, ताकि कुछ दिक्कत ना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पता करेंगे नामकरण सीखेंगे, नामकरण कैसे होता है, हम अलग तरीके से वहाँ पे अलग अलग गुण जोड़ेंगे, अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है ना। नीचे बोल्डिंग बोल्डिंग है, कार्बन कार्बन यौगिक में अबंध की प्रकृति, कैसे बॉन्डिंग करेगा इसके बारे में। कार्बन के बारे में क्या जानते हैं, कार्बन है, कार्बन को लिखते हैं, कार्बन का सिंबल क्या होता है, एटॉमिक मास कितना होता है इसका, मास नंबर 8 होता है, एटॉमिक क्या है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर आता है, नंबर की मास, नंबर मास नंबर, ये भी होता है कार्बन। कार्बन कैसे लोग पता करते लोगों को, कार्बन के सर्वस्थानिक है, आइसोटोप क्या है, आइसोटोप में ना नाइन कार्बन है, आइसोटोप वो होते हैं सर्वस्थानिक, वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होंगे, मास नंबर अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तीनों कार्बन ही है पर तीनों का द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो समस्थानिक कहते हैं, क्या कहते हैं, समस्थानिक, ठीक है। इसको कहते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, लिखेंगे अभी एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना आता है, ठीक है, एटॉमिक वेट कर ले, मास नंबर कर लो, मास नंबर, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। हम करें इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लोगे आप लोग, बोलो क्या होगा, तभी बोलेंगे पहले में दो दूसरे में चार, किसी को पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में कुछ, कैसे हुआ ये, पहले वाले में के मतलब के और एल, के दो है दो, अब पूछो किसी को पूछना है कि कैसे हुआ दो और चार, हाँ क्या पूछना, हमने क्या बांटा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, इलेक्ट्रॉन का विन्यास करना, नाश नहीं करना उसका, विन्यास करना है, विन्यास मतलब बांटना, इसका आता है बांटना, इसको मतलब क्या आता है, तो हम पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो जेड बराबर, इसको जेड से दिखाते हैं, इसको ए से दिखाते हैं, जेड बराबर ई बराबर पी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर, जेड हमारा 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन भी 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन को मतलब बांटना है, पहले वाले कक्ष का नाम के है, दूसरे वाले का एल, तीसरे वाले का एम, चौथे वाले का एन, पहले वाले कक्ष में एचएमसी कितना है, दो, दूसरे में 8, मैक्सिमम सीट कितना है 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में 18, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में 18,
ठीक है बोलो मेरे साथ। तो हमारे पास है तो छह ही ना, चाहे सीट कितने भी हो, जितना होगा उतना ही देंगे हम लोग। छह था तो पहले कक्षा में भर दिया हमने दो, अब अगले वाले कक्षा में कितना आएगा? बचा चार, कितनी सीट खाली अगले में? चार खाली है। कितनी सीट खाली है? तो हमारी जितनी सीट खाते करते हैं हमारी बैलेंस सीट बैलेंस कर लो। हाँ है और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सीट खाली है, ये भरा नहीं करोगे क्या? भरोगे हाँ वो तो कैसे है, जब तक मेरे पास एक क्लास खाली है तो मैं वो रूम क्यों लूंगा पढ़ाने के लिए? मैं रेंट पढ़ाना क्या, पैसे लगा रहा क्या? नहीं, एक ही रूम पढ़ाऊंगा मैं। सीट खाली है, बेंच है मेरे पास, अभी देखो ये भर भरूंगा पहले इन लोगों को, उसके बाद नया क्लास ले जाएगा। और इसका भी है कि जब तक ये भरेगा नहीं, जब तक अगले में संयोजकता कितना होता बताओ? देखो ये ना चार देगा ना चार लेगा, ये शेयरिंग करेगा। देखो अब समझेंगे यहाँ पे, ये तो बेसिक सी बात है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं सब, है ना, शुरू से नौवीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो उतना इशू नहीं होगा हम लोगों को। हाँ देखो, अब इसको अगर मान लो चाहे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या देगा? मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों? देखो सीधी सी बात है, मेरे को अगर देखो मेरे को क्या चाहिए, अपने क्लास में 30 बजे चाहिए, 10 बजे जिस दिन हो जाएंगे तो दिमाग शांत हो जाएगा। अब ज्यादा कोई नहीं करना है, चलो अगर हम अगर 30 हो गए, 30 सीट था, 30 भर गए, अब अपना काम करना, ठीक है, 30 हो गया, 30 का काम मतलब हो गया, ठीक है। अब क्या सोचेंगे, नहीं कैसे बढ़ाए, जब तक 30 नहीं है तब तक क्या सोचेंगे, कैसे बढ़ाए बच्चों को, 25 में 5 बच्चे कहाँ से लाएंगे, कहाँ छोड़ के आएंगे, क्या करेंगे, वो यहाँ आएंगे सोचेंगे। आप भी जब काम पूरा नहीं होगा तो कहोगे काम कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा हो जाएगा तो निश्चिंत, हाँ हो गया खत्म काम, अब कोई दिक्कत नहीं। जब तक नहीं होता काम तब तक तो बेचनी होती ना, स्टेबल तब भी होगा, अनस्टेबल नहीं हो, ये स्टेबल नहीं भी है बट पहले से मुकाबले कम स्टेबल है। अभी फालतू चीज सोच रहा है, चार इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, चार सीट खाली है, जब चार इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं तो किराया कहाँ से मिलेगा मकान का, ठीक है, उस किराया चाहिए, मतलब जैसे चार इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो पूरा फुल जाएगा, इसमें 2 इसमें 8 इसमें पूरी बिल्डिंग खरीद रखी है, एल वाली बिल्डिंग जो खरीद रखी उसमें भरने के लिए लोग चाहिए ना, किराया नहीं आ रहे, तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल स्थिर हो जाएगा, उसके बाद एक स्थिरता आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो या तो इसे 2 तरीके हैं, इसके पास 2 तरीके हैं, 2 कौन कौन से तरीके होगा? अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसके पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, 3 है, पर हमने जो हमने 2 ही तरीके पढ़े, हमने शेयरिंग वाला भी नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर या अपनी जो बैलेंस थी उसको पूरा करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कम है घट बढ़ रहा है, बढ़ रहा दे देंगे, घट रहा तो ले लेंगे, तो या तो बाय लूजिंग, बाय गेनिंग मतलब या लेकर या लेकर, 2 तरीके हैं। मान लेते हैं ये सी है, ठीक है, ये कार्बन है हमारा, ठीक है, मान लेते हैं। अब कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लीजिए कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 4 प्रोटॉन बढ़ गए होंगे इसके पास, है ना, वो जिसको तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन की मात्रा क्या बढ़ गई, 4 इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है। बट एक बात यहाँ पे आती है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना, वो एक जो यहाँ होता है मुझे प्रोटोन आता है, यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का 4 इलेक्ट्रॉन आता है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, देखो तुम मान लो एक को निकालोगे, मान लो तुमने एक को निकाला, क्या एक को निकाला,
पहले मान लो देखो पहले यहाँ पे कितने थे, छह प्रोटॉन थे, छह मिलके सब पे मान लो छो का फोर्स लग रहा होगा है ना, छो का फोर्स लग रहा होगा है ना। अब देखो यहाँ से एक प्रोटॉन खाली हो गया, मतलब एक प्रोटॉन बच गया होगा जिसमें फोर्स लगा रहा होगा। तो देखो छह प्रोटॉन थे, छह इलेक्ट्रॉन थे, हर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, हर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब एक फालतू बच गया है। अब जहां से इलेक्ट्रॉन खींचोगे वहां पहुंच जाएगा, तुम कैसे खींचो उन्हें खींच लेगा, मतलब पावर को बढ़ा देगा, तुमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो तुमने पहले लगाया, पहले एक बोर्ड को तोड़ने में एनर्जी लगाई, अब तुम्हें और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ऐसे करके फिर तुम्हें एक को निकाल लोगे ज्यादा, फिर और एनर्जी लगानी पड़ेगी, ऐसे लार्ज अमाउंट एनर्जी लगानी पड़ेगी तुम्हें है ना। चार इलेक्ट्रॉन निकालने ना, तो चारों को निकालने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हमें बस हमें कर्म के डेली लाइफ में चाहिए, ऐसा कुछ तरीका रखना पड़ेगा जो हमारे डेली लाइफ में यूज है बिना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगे। तो ये काम नहीं हो पाया, ये काम लूजिंग वाला काम। अब देखते हैं क्या पता गेमिंग से हो जाए, क्या पता ले तो हो जाए, बट बात वही पड़ेगी ना। सेम रीजन इसमें भी है, चार इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे इसके पास स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, ये इसमें भी आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी जो रिपल्सन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए। मान लो आप देखो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को लाओ तो चारों बोले नहीं आना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, रिपल्सन होगा ना, तो बोलेगा यहाँ तुमको नहीं आना, यहाँ हम घूम रहे हैं, एक चूर ला दी, फिर और लाओगे तो पांच हो गए, पांच मिलकर धक्का देंगे उसे एक को, और मुझे लगानी पड़ेगी, समझ रहे ना। तो जब भी रिएक्शन करोगे तो दोनों ही केस में, इसमें भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई एनर्जी सेम हाई एनर्जी, तो बाय लूजिंग और बाय गेन दोनों में ही आपको ऊर्जा ज्यादा देना पड़ेगा, तो जो कि संभव नहीं है। तो लोग हम तीसरा तरीका निकालते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब ये बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजी बंध बनाएगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। तू ले ले तो जो मैं ले लूंगा, जिसकी जैसे जो वो ऐसे यूज करेगा। इतना पढ़ो आप लोग, फिर हम अगला पढ़ेंगे।